Further contemplating on types of plagiarism and how we can avoid plagiarism. When drafting the manuscript, authors refers to the published or unpublished work knowingly and sometimes unknowingly to draw upon ideas to support their statements. Uh, sometimes they unintentionally end up into the uh, plagiarism. Because they just to give other people's statements as supportive statements लेकिन अन इंटेंशनली एट टाइम्स उनका जो काम है वो प्लेजरिज्म के uh, जो है वो सर्कल में इंक्लूड हो जाता है प्लेजरिज्म इज अ सीरियस मिसकंडक्ट एंड प्रोफेशनल क्राइम क्योंकि दिस इज वेरी मच सीरियस इन नेचर कि आप कोई भी ऐसा काम एज अ स्कॉलर जो है वो ज्यूम uh, करें कि आप क्लेम करें कि यह आपका है जबकि वो काम आपने खुद नहीं किया दे इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव अप्रोप्रिएट क्रेडिट टू द ऑथर एंड द सोर्स जब हम रेफरेंसेस की बात करते हैं उसका मीनिंग भी यही होता है कि ऑल दो उस रेफरेंस से आपने जो मेटीरियल लिया है आपने उसके क्रक्स को अपने वर्ड्स में लिखा है बट स्टिल दैट आइडिया इज नॉट योर सो यू आर सपोज टू गिव रेफरेंस फॉर दैट सो जहां पर आप रेफरेंस नहीं दे रहे वो भी एक तरह का प्लेजरिज्म है द दी एंड एक्सटेंट ऑफ प्लेजरिज्म कैन वेरी एंड कैन फॉल अंडर द फॉलोइंग फॉलोइंगटेगरीज नाव वट कु द कम्पलीट प्लेजरिज्म एंड इंटेलेक्चुअल थेफ्ट ये तो एक बहुत ही सीधी सी बात है कि किसी और ने काम किया और आपने उसको अपने नाम से सबमिट करा दिया प्रॉबेबली दिस कुड बी द वर्क ऑफ योर कुलग योर स्टूडेंट और सम अदर कोलाबोरेटर लेकिन उसको एक्नॉलेज नहीं किया और सीधा वो काम अपने नाम से सबमिट करा दिया सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म रेफरेंस अ सोर्स इनकरेक्ट इन इट डज नॉट एग्जिस्ट यानी आपने कोई आइडिया जो है वो लॉन्च किया और आपको लगा कि ये रेफरेंस uh, इसके लिए होना चाहिए वहां पर कोई रेफरेंस अवेलेबल नहीं है आपने एक रेफरेंस खुद से बना लिया वो एक इनकरेक्ट uh, रेफरेंस है जो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आपने उसे एज अ सोर्स साइट किया हुआ है दैट इज कॉल्ड मिसलीडिंग ऑल्सो अकर विन द ऑथर साइट्स ओनली द प्राइमरी सोर्सेज विदाउट साइटिंग द सेकेंडरी फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन वॉज ऑबटेन अब ये इशू क्या होता है जैसे आपने एक रिसर्च आर्टिकल लिया जो कि अगर आप लेट्स uh, से एक टॉपिक पर काम करें इमोशनल रेगुलेशन पे और आपने एक रिसर्च आर्टिकल लिया जो रिसेंटली पब्लिश हुआ था इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर और उसके रेफरेंस लिस्ट के अंदर पंद्रह बीस और आर्टिकल हैं जो सब इमोशनल रेगुलेशन पे हैं अब आपने अपना काम करते हुए चार पाँच रेफरेंसेज वहाँ से उठा के साइड कर दी और उनको औरिजनली आपने एक्सेस नहीं किया सो एट टाइम्स देर आर द हाई चांसेस

then ज री reusing the significant portions of your own work previously published without attribution अब एक एरिया में आप काम करें उसमें आप मल्टीपल पेपर्स जो है वो छापने की इंटेंशन रखते हैं अपने ही एक काम को जो ऑलरेडी आपने पहले जो है वो कहीं पे पब्लिश कर दिया उसको फिर री यूज कर लें उन्हीं रिसर्च लिटरेचर को दोबारा इंक्लूड कर लें उन्हीं आप इम्प्लीकेशन और लिमिटेशन को दोबारा दोबारा इंक्लूड करते जाए आप कहें ये तो मेरा ही काम था

या आप ये भी कर सकते हैं कि आप आ, इसको हर दो वर्ड्स के बाद तीसरे वर्ड्स को चेंज कर दें ताकि सॉफ्टवेयर का प्लेजरिज्म उसको डिडक्ट ना कर सके तो ये सब चीजें पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म में कंसिडर की जाएंगी देन मोजैक एंड पैशवर्क इंटरप्लेइंग्रेजेज और टेक्स्ट विद इन ओन वर्क अब वो किसी और का काम या टेक्स्ट है उसको आपने अपने टेक्स्ट के तौर पर बगैर कोट किए ये भी नहीं बताया कि ये किसी और का है परमिशन लेना तो दूर की बात और उसको आपने डाल दिया तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द patchwork plagiarism so by saying that i just wanted to mention that there are the different types of plagiarism and unknowingly and knowingly people are doing that but once this has been deducted and it is very easy to deduct these uh, plagiarism all these type of plagiarism the price we have to pay is very high so one should be very careful that they should not use any unfair use of data they should not fabricate data they should not fals falsify it and they should never indulge in any practice which is called plagiarism.